आज इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि जावा का 2024 में मुस्तकबिल क्या होगा, क्या इसके रेट कम होंगे या रेट इसके जो है ज़्यादा होंगे। 2024 में इसका मुस्तकबिल क्या होगा। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 2024 में लोगों ने जो जावा रखा हुआ है वो कई लोग जो है कह रहे हैं कि रेट कम हो जाएगा, कोई कह रहे नहीं होगा, तो 2024 में क्या होगा, लोग परेशान है थोड़े से। तो आज को जो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है। पहले आपको बता दूं, ये वीडियो मैं बना रहा हूं 2023 के अंदर जून के महीने में। अब आपने करना क्या है, आपने जो है जावा जिसके पास अब है वो पैसे कमाएगा। जावा का इस वक्त जो है डिमांड भी है, काफी सेल भी है और बासानी बिक रहा है और रेट भी अच्छा इसका मिल रहा है। तो आपने अब जो है करना क्या है कि 5 से 6 माह के जो है आपने पट्टे ले लेने हैं जावा के। जून के महीने में आप बना रहा हूं मैं वीडियो 2023 के अंदर, तो 2 माह के बाद जो है ये जो है ब्रीड शुरू कर देगा जावा जो है। तो आपने जो सा भी आप ले लें, फान जावा ले लें, ग्रे ले लें, व्हाइट ले लें, सिल्वर ले लें, जो भी लेंगे आपका जो है वो बिकेगा और प्रॉफिट आपको होगा। तो पहली ब्रीड जो आएगी जावा की आपने उसको जो है रखना नहीं है, उसको उस सारी ब्रीड को आपने जो है सेल कर देना है आपने। इससे ये होगा कि आपका जो है सारा जो है खर्चा होगा वो खर्चा आपका जो है निकलेगा सारा, जितना भी आपने खर्चा किया होगा, और प्रॉफिट भी इसको अंदर जो है आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा पहली ब्रीड जो आएगी उससे। अब दूसरी ब्रीड आएगी उसको भी आपने सेल कर देना है, तीसरी आए उसे भी सेल कर देना आपने। इस तरह जो है अब आपका जो पहली ब्रीड में खर्चे निकल आए सारे, परिंदे आपके जो है कलोनी हर चीज का खर्चा जो है आपका निकल आया था और थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट हो गया था पहली जो ब्रीड आई थी उसमें। अब जो दूसरी ब्रीड आई उसमें सिर्फ दाने का खर्चा और जो है विटामिन वगैरह का खर्चा या मेडिसिन का खर्चा होगा दूसरी ब्रीड में, और तीसरी ब्रीड में भी यही खर्चा होगा। तो उसमें प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा होगा दूसरी और तीसरी ब्रीड में। अब आपके खर्चे भी सारे निकल आए जावा के, अब प्रॉफिट में पड़ा है आपका जावा जो है, कलोनी है, जो कुछ भी है, परिंदे हैं आपके, वो इस वक्त आपके पास फ्री हैं। फर्ज करो 2024 के अंदर जो है जावा का रेट कम हो जाता है, रेट इतना कम नहीं होता जितना लोग परेशान हो रहे हैं, और जावा जो है बच्चे ज्यादा तादाद में देता है और इसका रेट जो है इतना कम भी नहीं होता कि ये अपना दाने का खर्चा भी ना निकाल सके और आपको प्रॉफिट ना हो। प्रॉफिट आपको होगा, कम होगा, प्रॉफिट होगा जरूर। तो आपने परेशान नहीं होना 2024 के अंदर भी। अगर आप कारोबारी हैं और आपने जावा रखा हुआ है और रेट थोड़ा बहुत अगर कम भी हो गया इसका, आप परेशान होंगे और आप जो है इस तरह जो है अगर परेशान हैं तो आपने 25 जोड़े जो है वो अगर आपके पास हैं तो आधे आपने बेच देने हैं, 10 रख लें आप, 15 जोड़े रख लें, बाकी आप सेल कर दें। प्रॉफिट आपको होगा, कम होगा प्रॉफिट। जो शौक रखते हैं वो इस चीज को नहीं देखते, वो बर्दाश्त करते हैं। असल में जो है अगर जावा मुल्क से बाहर ना गया 2024 के अंदर तो इसका रेट जो है कम होगा, क्योंकि डिमांड इसकी कम होगी, परिंदे ज्यादा हो जाएंगे और डिमांड कम हो जाएगी। जिस चीज की डिमांड कम होती है उसका रेट जो है कम हो जाता है, इतना कम नहीं होता कि वो बिल्कुल सेल ना हो। व्हाइट जावा असल में जो है लोगों ने बहुत ज्यादा कलोनियां जो लगाई हुई हैं व्हाइट जावा की, तो व्हाइट जावा की तादाद जो है इस वक्त बहुत ज्यादा है, लोगों ने कलोनियां लगाई हुई हैं। अगर मुल्क से बाहर ना गया व्हाइट जावा तो इसका रेट जो है कम होगा थोड़ा बहुत, जो भी कम होगा। ग्रे जावा जो है लोग इतना जो है इसके जो है कलोनियां नहीं लगा रहे, या सिल्वर जावा है उसकी भी इतनी कलोनियां नहीं है, और फान जावा की भी इतनी कलोनियां लोगों ने नहीं लगाई हुई, हर किसी के पास इतने पैसे नहीं है। फान जावा जो है एक तो रेट ज्यादा है और ये जो है ब्लड लाइन इसकी जो है कमजोर होती है, ये मर भी जाता है, इसलिए जो है लोग इतना नहीं लगाते, लोगों के पास पैसे नहीं है।
व्हाइट जावा, सिल्वर जावा या ग्रे जावा लगाते हैं। ग्रे जावा जो है वो कम तादाद में है, उसकी डिमांड बनेगी, और जो है सिल्वर जावा की भी डिमांड बनेगी और फान जावा की डिमांड भी बनेगी 2024 के अंदर। और 2 से 3 साल तक जो है फान जावा का रेट जो है कम नहीं होगा। व्हाइट जावा अगर मुल्क से बाहर चला गया तो इसका रेट बढ़ जाएगा, अगर ना गया तो इसका रेट जो है कम होगा 2024 के अंदर, अगर जो है मुल्क से बाहर ना गया। तो आपने परेशान नहीं होना है, इतना रेट कम नहीं होगा इसका। अगर हुआ भी तो आपने जो है, अगर आपके पास 50 जोड़े हैं तो 25 जोड़े आपने रख लेने हैं, आपका खर्चा जो है जावा निकालता रहेगा दाने का भी, और प्रॉफिट भी आपको होगा, कम प्रॉफिट होगा, ज्यादा अगर नहीं होगा, होगा सही, नुकसान आपका नहीं होगा 2024 के अंदर भी। और अगर बाहर चला गया जावा तो इसका रेट जो है मजीद बढ़ जाएगा, आपने परेशान नहीं होना। वैसे भी जो पहली ब्रीड आपने ली थी उसमें आपका सारे खर्चे निकल गए थे, दूसरी और तीसरी ब्रीड आपने ली थी वो आपको सारा प्रॉफिट था, ये परिंदे भी आपके जो है जो आपके पास हैं वो प्रॉफिट ही है आपका, दाने का खर्चा है या विटामिन वगैरह का खर्चा है या कैल्शियम का पाउडर आप इस्तेमाल कराएंगे उसी का खर्चा है। तो आपने परेशान नहीं होना, अगर जावा का रेट कम भी हुआ 2024 में, इतना रेट कम नहीं होगा कि आपका नुकसान हो। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें सदका जारिया समझ के। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।